दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि बकारट गेम को कैसे खेला जाता है और आपको बकारट गेम्स के पूरे रूल बताएंगे जिससे आपको इसको खेलना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये एक कैसीनो गेम है तो रूल आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। इसे आप ऑनलाइन भी खेल सकते हैं और कैसीनो में भी जाके खेल सकते हैं। तो दोस्तों कैसे हो, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल। हम करते रहते हैं नए नए गेम्स, टॉयज और गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। अभी हम एक कैसीनो गेम की सीरीज बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि बकारट गेम के अंदर पत्तों का सीक्वेंस कि किस पत्ते के कितने पॉइंट्स होते हैं। तो 2 से लेकर 9 तक के पत्तों की फेस वैल्यू होती है, जैसे 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 3, 8 की वैल्यू 8, 9 की वैल्यू 9। तो ऐसे ही सारे पत्ते होते हैं। इसके अंदर 5, चिड़ी, 8 इससे कोई मतलब नहीं होता, इसमें सिर्फ पत्तों की नंबरिंग से मतलब होता है। आती है बारी फेस कार्ड की, तो धैला गुल्ला बेगम बादशाह इनके पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर 0 और इक्के की वैल्यू होती है 1। तो इस गेम के अंदर 0 से लेकर 9 पॉइंट्स होते हैं, तो 9 पॉइंट्स सबसे हाई होते हैं और 0 सबसे छोटा होता है। गेम वो जीतता है जिसके पॉइंट्स 9 या 9 के आसपास होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि पत्तों का स्कोर कैसे होता है। अब ये है 6 और 2, तो इनका प्लस होता है 8, तो अब इनका जो पॉइंट्स है वो 8 ही है। जैसे 8 और 4 है तो इनका टोटल होता है 12, तो लेकिन इसके अंदर 12 नहीं होता। इस गेम के अंदर लास्ट डिजिट को ही स्कोर माना जाता है, तो 8 और 4 12, तो उसकी लास्ट डिजिट होती है 2। तो उसका मतलब ये है कि इन दो पत्तों का स्कोर है वो 2 है। दोस्तों इस गेम के अंदर कुछ कंडीशंस ऐसी भी आती हैं कि तीसरा पत्ता भी खुलता है, तो अब हम इनका टोटल करके देख लेते हैं। 6 प्लस 4 10, 10 और 10 20, कहने को तो ये बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन इसका जो टोटल स्कोर होगा वो 0 होगा, क्योंकि जो लास्ट डिजिट है वो 0 है। बकारट कैसीनो गेम के अंदर प्लेयर्स को पर्सनली पत्ते नहीं मिलते हैं, उनको सिर्फ बिड लगानी होती है। बिड ये किस चीज के ऊपर लगा सकते हैं कि भाई प्लेयर जीतेगा या बैंकर जीतेगा। प्लेयर या बैंकर में से वो जीतेगा जिसका स्कोर 9 के आसपास होगा, मतलब जिसका स्कोर ज्यादा होगा वो जीतेगा। तो इसके अंदर जो डीलर खिलाने वाला हो गया और ये सब खेलने वाले हो गए, तो अब जो पत्ते मिलते हैं वो सिर्फ प्लेयर्स को मिलते हैं और बैंकर को मिलते हैं। तो हम देख लेते हैं कैसे मिलते हैं। 2 नंबर है ना, प्लेयर के ऊपर बिड लगाता है कि प्लेयर जीतेगा, तो अब जो डीलर है वो पत्ते बांटना शुरू करेगा। तो पहला जो पत्ता है वो प्लेयर को मिलेगा, मतलब ये यहाँ पे आ गया, फिर दूसरा पत्ता बैंकर को मिलेगा, फिर इस तरीके से ये पत्ते मिलते हैं। अभी पत्ते खुल जाएंगे। प्लेयर का स्कोर तो है 6 और 3 9 और इसका स्कोर हो गया 10 और 6 16, मतलब 6। तो इसको गेम में बोलते हैं नेचुरल 8 और 9। तो मतलब जो पहले दो पत्ते हैं यदि उन्हीं के अंदर किसी का भी 9 या 8 खुल जाता है, प्लेयर का या बैंकर का, तो गेम वहीं खत्म हो जाता है और वो सीधे सीधे जीता है। और जीतेगा कितने, जितने उसने लगाए हैं उतने ही पैसे जीतेगा। तो इसने 2 लगाए हैं, तो इसको यहाँ से ये 2 मिल गए, 2 और 2 4, और ये जीत गया है। और जो ये पत्ते निकल जाते हैं इनको गेम से बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में जैसे 1 नंबर बैंकर के ऊपर पैसा लगाता है, 2 नंबर है वो प्लेयर के ऊपर पैसा लगाता है वापस से, फिर डीलर बोल देगा नो बैट। तो अब इस वाले गेम के अंदर प्लेयर का जो स्कोर हुआ है वो 7 हुआ है और बैंकर का स्कोर हो गया 9। तो ये नेचुरल विन होती है, अभी हमने आपको बताया था, इसका मतलब बैंकर जीत गया। तो जिसने बैंकर के ऊपर पैसे लगाए होंगे उसको डबल हो जाएंगे और जिसने प्लेयर के ऊपर लगाए होंगे वो हार जाएगा। तो ये स्कोर वापस से यहाँ चला जाएगा, तो इसका हारने का चला गया, बैंकर की इसने 2 चिप्स लगाएंगे तो इसको 2 चिप्स मिल जाएंगी। तो इस तरीके से 1 नंबर गेम को जीत गया है। तो जो बकारट गेम है उसके अंदर एक सिचुएशन और होती है टाई की, ये हर जगह हर कैसीनो में मिलती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ना तो बैंकर जीतेगा ना प्लेयर जीतेगा। इसकी बिड लगाने पर पैसा बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब 1 के रेशो में 8 भी मिलता है, 9 भी मिलता है। तो हम इसमें 1 के रेशो में 8 वाला खेल रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि 1 नंबर ने टाई पे पैसा लगाया और 2 नंबर ने प्लेयर पे पैसा लगाया और 3 नंबर ने बैंकर पे पैसा लगाया। अब तो हम देख रहे हैं कि प्लेयर का स्कोर भी 7 हो गया है और बैंकर का स्कोर भी 7 प्लस 0 7 हो गया है। तो दोनों का मतलब बराबर हो गया है, तो इसका मतलब गेम टाई हो गया। तो गेम टाई में ये होगा कि ना तो बैंकर हारा है ना जीता है, तो इसलिए उनकी जो बैट है वो वापस हो गई, ऐसी प्लेयर की बैट वापस हो गई। और जो ये है 1 नंबर उसने टाई पे लगाया था, तो उसने 2 लगाई थी, तो 2 के बदले में उसको मिल जाएंगी अब 16 चिप्स। तो हम इसको इस तरीके से ये 16 चिप्स दे देंगे। बकारट गेम के अंदर कुछ कैसीनोज के अंदर बहुत सारे रिवॉर्ड्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि पेयर बनने पे भी आप बैट लगा सकते हैं, तो जैसे हमारे इस वाले के अंदर नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बैट लगाएगा कि प्लेयर का पेयर बनेगा या बैंकर का पेयर बनेगा। तो ये पत्ते खुलेंगे इस तरीके से। तो जैसा हम देख रहे हैं कि शुरू के जो 2 पत्ते होते हैं उन्हीं से पेयर बनते हैं, तो प्लेयर का पेयर बन गया। तो अब 1:2 कितने पॉइंट्स जीतेगा ये उस कैसीनो के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो पेयर बनते हैं वो शुरू के 2 पत्तों में बनते हैं। तो इसमें प्लेयर का पेयर बना है, तो जिसने बैट प्लेयर के पेयर के ऊपर की होगी तो उसको पैसा मिलेगा। गेम जीतना नहीं जीतना वो एक अलग चीज़ है कि कौन जीतता है, लेकिन उसको प्लेयर का पेयर का पैसा मिल जाएगा।
अब गेम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि तीसरा पत्ता कब खुलता है, क्योंकि इस गेम के अंदर मैक्सिमम तीन ही पत्ते खुल सकते हैं प्लेयर और बैंकर के। इसके लिए हम सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि तीसरा पत्ता जो खुलता है बैंकर का, वो डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर। यदि प्लेयर का तीसरा पत्ता खुलेगा तभी उस कंडीशन में बैंकर का पत्ता खुलेगा, सिर्फ एक कंडीशन छोड़ के, वो कंडीशन हम आपको सबसे लास्ट में बताएंगे। तो इस सबसे पहली बात तो हमें ये समझ लेनी है, यदि प्लेयर या बैंकर में से किसी का भी शुरू के दो पत्तों में 8 या 9 आ जाता है तो गेम वहीं खत्म हो जाता है, वहां पे तीसरे पत्ते का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो एक तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, ये रूल उसी के बाद में है कि भाई अगर 8 या 9 नहीं आता है ना प्लेयर का ना बैंकर का तो आगे क्या होगा। तो अभी हम बैंकर के पत्तों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो जैसे प्लेयर का जो पत्तों का स्कोर है वो 0 है, 0 है तो वो प्लेयर एक पत्ता और मांग सकता है, मतलब ये सारा काम डीलर करता है। तो इसलिए यदि आपको ये चीज नहीं भी आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये सब जो कसिनो में डीलर होता है वो सब इसको हैंडल करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको भी पता होना चाहिए कि कब तीसरा पत्ता खुलेगा कब नहीं खुलेगा, इससे इस गेम को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। प्लेयर का जो स्कोर है वो 0 है, तो 0 है तो प्लेयर को तीसरा पत्ता मिलेगा, तो प्लेयर को तीसरा पत्ता यहाँ से मिल गया। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो आगे की बात है। तो यदि प्लेयर का स्कोर 0 से लेके 5 तक होता है तो उसको तीसरा पत्ता मिलेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं, यदि प्लेयर का स्कोर 6 है या प्लेयर का स्कोर 7 है तो प्लेयर स्टैंड वाली कंडीशन में रहेगा, कि मतलब वो तीसरा पत्ता नहीं मांग सकता। अब वो आगे बैंकर के साथ में क्या होना है वो हम बाद में देखेंगे। तो सिर्फ 0 से लेके जब 5 होते हैं तभी वो पत्ते मांग सकता है, उसके अलावा और किसी कंडीशन में वो पत्ते नहीं मांग सकता। जैसा कि हमको पता है कि बैंकर का तीसरा कार्ड सिर्फ तभी खुलता है जब प्लेयर का तीसरा कार्ड खुल चुका होता है। लेकिन बात आती है कि बैंकर कब कार्ड मांगेगा, तो हमने इसके लिए एक चार्ट बनाया है, आप उस चार्ट को अपने में एक फोटो खींच के रख सकते हैं, तो जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। हम इसको मोटा मोटा आपको चार्ट को समझा देते हैं कि बैंकर का यदि स्कोर 0 होता है, 0, 1 या 2 तो उसको पत्ता मिल जाएगा। अब बैंकर का स्कोर यदि मान लो जैसे 3 है, फिर डिपेंड करेगा प्लेयर के तीसरे पत्ते के ऊपर। तो प्लेयर का जैसे तीसरा पत्ता है वो 6 खुला है, तो इसके अंदर 0 से लेके 7 तक और 9 यदि इनमें से कुछ खुलता है तभी बैंकर को तीसरा पत्ता मिलेगा। ऐसे ही फिर 4 पे बात कर लेते हैं, यदि प्लेयर का जो तीसरा पत्ता है वो 2 से लेके 7 खुलता है तो ही उसको पत्ता मिलेगा। ऐसे ही 5 के लिए, प्लेयर का जो तीसरा पत्ता है वो 4 से लेके 7 के बीच में खुला है तभी उसे पत्ता मिलेगा। ऐसे ही यदि बैंकर का स्कोर 6 है, प्लेयर का जो तीसरा पत्ता है वो 6 या 7 खुला है तभी उसको तीसरा पत्ता मिलेगा बैंकर को। अगर बैंकर का स्कोर 7 है तो उसे कोई पत्ता नहीं मिलेगा, वो 2 ही पत्तों से खेलेगा। इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा रूल है, जिनमें पहला ये है कि सिर्फ इसमें एक ही ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बैंकर को 3 पत्ते मिलते हैं और प्लेयर को 2 पत्ते मिलते हैं। प्लेयर का स्कोर तो होता है 6 या 7 और जो बैंकर का स्कोर होता है वो 0 से लेके 5 के बीच में होता है। तो इस वाली कंडीशन में यही हो रहा है, प्लेयर का स्कोर तो है 7 और बैंकर का जो स्कोर है वो हो रहा है 3, तो इसलिए उसको एक और पत्ता मिल गया। इस गेम के अंदर लास्ट रूल ये है, प्लेयर का तो 6 या 7 में से कुछ हो और बैंकर का स्कोर 6 हो तो फिर कोई भी पत्ता नहीं खुलेगा किसी का भी, और वो गेम वहीं डिसाइड हो जाएगा। जैसे मान लो इस वाले गेम के अंदर कौन जीतेगा, प्लेयर जीतेगा। तो दोस्तों ये था बकारेट गेम के कुछ सिंपल रूल, और खासकर जो रूल हमने आपको तीसरे पत्ते के बताए ये बहुत जरूरी थे बताना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यदि गेम से रिलेटेड और कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियो इसी तरीके से पसंद आते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।